दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्योपैथी रुड़की के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक समस्या और उसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा वीडियो। और उस समस्या का नाम है दोस्तों फेशियल हेयर या अनवांटेड हेयर। आपने देखा होगा कि तकरीबन 15 से 20 साल की कुछ महिलाओं को या कुछ लड़कियों को या उम्र के 25 या 30 साल तक की उम्र में कुछ लड़कियों को यहाँ ऊपर जैसे इन आदमियों को मूछें आती हैं उस तरीके के बाल आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं चिन के नीचे, और वैसे भी और भी छाती पे आ जाते हैं, यहाँ पे यहाँ पीछे आ जाते हैं इस एरिया में। तो ये अगर आदमी में है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी औरत में है तो ये एबनॉर्मल है, यानी कि हार्मोन्स की गड़बड़ी है जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। वैसे तो कई बार देखा गया है कि जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या होती है, ओवरी में सिस्ट होती हैं जिनको, उनको ये समस्या होती है। लेकिन आजकल देखा गया है कि जिन फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है उनको भी ये समस्या होती है। इसकी वजह से थोड़ा सा सोशल नहीं हो पाती वो फीमेल, कहीं आने में जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि सामने जब चेहरा दिखता है तो उस पर बाल दिखते हैं तो कोई भी इंसान टोक देता है। दोस्तों इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा सोल्यूशन है, और जो मैं दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ आपको कुछ समय तक लीजिए और फिर फ़र्क देखिए। इसमें थूजा 1 mg की एक डोज लेनी होती है 15 दिन बाद, और बाकी के दिनों में ओलियम जैक 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन की 5-5 बूंदें सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले 1 चम्मच ताज़े पानी में लेनी होती है। और ये दवाई थोड़े लंबे समय तक चलती है, लेकिन जिस दिन आप थूजा 1 mg की डोज लेंगे उस दिन आप ओलियम जैक नहीं लेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और जो थूजा 1 mg है वो 15 दिन में एक डोज यानी कि 3 बूंदें, और जो ओलियम जैक 30 पोटेंसी की है उसमें से 5-5 बूंदें सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले 1 चम्मच ताज़े पानी में 2 से 3, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक आप ये ले सकते हैं। और एक उस फीमेल का अल्ट्रासाउंड कराएँ आप, और अल्ट्रासाउंड में पता करें कि कहीं कोई पीसीओडी की समस्या तो नहीं है। अगर पीसीओडी की समस्या आती है तो साथ में आपको उसके लिए भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।